भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अटारी और वाघा के बीच चलने वाली जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है। सुबह मैसेज आया है वाघा स्टेशन से कि जो ट्रेन आनी थी अटारी पर वो नहीं आएगी और फर्दर नोटिस तक उसे रद्द कर दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं साथ में ये ट्रेन खड़ी है, ये दिल्ली से अटारी के बीच चलती है। ये ट्रेन सुबह यहाँ पहुँच गई थी, इसमें 40 पाकिस्तानी यात्री हैं और 2 इंडियंस हैं और ये सब अभी यहाँ पे फंस गए हैं। मेरे साथ स्टेशन मास्टर यहाँ पे दीपेंद्र कुमार, क्या जानकारी आई है आपको पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान के जो वाघा जो स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उन्होंने ये मैसेज 8:45 पे दिया है कि हम उनके तरफ से आने वाली जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अभी उसके अभी चालू होने का अभी कोई ऐसा ऑर्डर उनके पास नहीं है कि कब से कब चालू होनी है, वो नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए रद्द है। ठीक है जी। कितने पैसेंजर्स जो हैं इसकी वजह से फंस गए हैं? ये जो दिल्ली से आई है ट्रेन ये भी यहीं पे रहेगी? जी जी, ये यहीं पे रहेगी और जो इसके पैसेंजर्स हैं उनका बाई रोड जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है कि बाई रोड भेज दी जाए। और जो उधर भी हमारे साथ 16 या 17 पैसेंजर हैं उधर फंसे हुए हैं जो, उनका भी उनके बारे में भी कोई वो नहीं है कि कब कैसे आएंगे कैसे नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो यात्रियों के अलावा सामान भी आता जाता है? हाँ हाँ, सामान आता जाता है, जो यात्रियों के साथ में सामान होता है वो होता है। पार्सल्स भी होते हैं? हाँ, पार्सल्स भी होते हैं, जो पार्सल्स बुकिंग पार्सल्स होते हैं उनके जो ट्रेन के साथ में ही वो जाते हैं वो भी अभी नहीं आ जा पाएंगे। और मालगाड़ी भी आती है जो आवाजाही होती है वो तो पहले ही बंद है? वो पहले ही, वो 3-4 दिन से बंद ही है, वो मतलब हमारे यहाँ पे खड़े ही है मालगाड़ी एक उनके जाने के लिए, लेकिन वो अब ले नहीं रहे हैं मालगाड़ी भी। मालगाड़ी भी उन्होंने 4 दिन से बंद करी दी है कि मतलब ये ऐसे कोई मैसेज नहीं आया, बस कैंसल्ड का मैसेज डेली दे देते हैं कि आज नहीं हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगा, ऐसे मैसेज दे देते हैं डेली। बाकी अभी कोई कैंसिल का ऐसे वो नहीं है कि हमने सस्पेंडेड। तो ये स्थिति है, देखिए जो यात्रियों का आवागमन है वो बाधित हो गया है, आज से जो अटारी वाघा के बीच जो ट्रेन चलती थी वो बंद है और जो सामान की आवाजाही होती थी, जो कारोबार होता था दोनों देशों के बीच, वो पहले से ही बंद है जब से एयर स्ट्राइक किया है भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे। तो ये स्थिति है कमोबेश जमीन पे, जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसके बाद जो तनाव बढ़ा है उसका असर जो सीमाई इलाके हैं उस पे नजर आ रहा है और ये ट्रेन भी अब उसकी वजह से इफेक्टेड। भारत पाकिस्तान सीमा पर तो तनाव है ही, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं जो है पंजाब में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि जिस तरीके से सीमा पर तनाव है उसे देखते हुए कश्मीर में से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। तो जहां सीमा पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम एकदम तगड़े किए गए हैं तो उनका ध्यान हटाने के लिए ये आतंकी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से लगते पंजाब के इलाकों में कोई गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और खासकर जो व्हीकल जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं उनकी खासी जो है चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाहन पर पंजाब पुलिस लगातार नज़र रख रही है। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा एकदम चाक चौबंद की गई है और किसी भी तरीके से कोई भी कोताही यहाँ पर नहीं बरती जा रही है, बल्कि हर आने जाने वाहन की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिल रहे थे उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना जरूरी भी था। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद गुजरात में लगातार अलर्ट घोषित किया गया है। गुजरात डीजीपी के जरिए लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे पुलिस गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जरिए जो चेकिंग है वो चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है नारायण सरोवर कोटेश्वर के इलाके में, ये जो आखिरी गाँव है गुजरात का जहाँ पे जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के जरिए लगातार चेकिंग चल रही है। जो वाहन यहाँ पे आते हैं जाते हैं गुजरते हैं उनके साथ जो भी सामान होता है वो सारी चीजों को पुलिस एक एक करके चेकिंग करती है। जो लाइसेंस नंबर है उसे रजिस्टर किया जाता है पुलिस के जरिए और उसके बाद ही उन्हें मूवमेंट यहां से दी जाती है। आप देख सकते हैं यहां पे पुलिस बड़ी तादाद में है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे इस तरीके से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध अगर है तो उसको पकड़ा जा पाए और पुलिस जो आसपास के इलाके हैं सीमावर्ती इलाके वहां पे इस तरीके से चेकिंग कर रही है। ये बताइए इतनी जो चेकिंग चल रही है क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा है हमारे लिए, बहुत ये सुविधा हमारे लिए है, बढ़िया है ये चेकिंग, बहुत बढ़िया अच्छा है हमारे लिए, हमारा ये सुविधा है,
बिल्कुल लोग हैं, लोग भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, इस वजह से जो पुलिस चेकिंग कर रही है वो काफी अच्छा है उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा है।